गुड इवनिंग जी टू ऑल ऑफ यू. वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक. आई थिंक आई एम क्वाइट ऑडिबल टू ऑल. किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. ठीक है. सो हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में जो है किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर हम कर रहे थे. बोर्स मॉडल हमने स्टार्ट किया था और बोर्स मॉडल में हमने कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी जो है वो कर लिया था. जो लास्ट हमने यहां पर किया था दैट वाज कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, है ना. हमने ये लास्ट में कर लिया था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 रेस्ट पर 6 इंटू जेड अपॉन एन. मीटर्स पर सेकेंड. इट इज द कंक्लूजन ऑफ द लास्ट लेक्चर जो हमने किया था. सभी को बात क्लियर? याद आ गया आपको? आगे बढ़ रहे हैं हम. तो यहां पर अब हम इससे आगे बढ़ने जा रहे हैं. सो आगे हम क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आज, फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन. फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ टाइम्स द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस पर सेकेंड. तो दिस इज गिवन बाय नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड इज गिवन बाय द फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन 2π. कि जितनी वेलोसिटी से चलेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जितना डिस्टेंस कवर करना होगा. 2πr इज द सर्कमफेरेंस, ठीक है ना. तो जितनी सर्कमफेरेंस होगी डिवाइडेड बाय That. ठीक है. तो इस हिसाब से अगर हम देखें, आप समझते जाइए, फॉर्मूला यही है, ठीक है, दिस वी हैव टू रिमेम्बर. लेकिन हम एक बात और जान सकते हैं, दैट इज कि एज वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन एन, अभी हमने लिखा था जेड अपॉन एन, एंड F is frequency. And R is equal to, R is proportional to N square upon Z. तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि हमारा F is proportional to क्या हो गया? Z square upon n cube. So that means, सुनते जाइए, अगर हमने दो इलेक्ट्रॉन्स में निकालना है कि F1 upon F2 क्या होगा, so that will be equal to Z1 square upon N1 का cube
इंटू जेड टू स्क्वेयर एन टू का क्यूब। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, एक बात तो ये हो गई, मैंने कहा कि इसको और इसको कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर मान लो दो इलेक्ट्रॉन्स में हमने रेशियो निकालना है तो हम कह सकते हैं कि ये आ जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फिर जो है कट जाएगा। सुनते जाइए, नेक्स्ट टर्म इसी से रिलेटेड है, दैट इज टाइम पीरियड। सुनते जाइए, अब ये जो टाइम पीरियड है उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। सो ये आ जाएगा कि जो टाइम पीरियड है ना, दैट इज इक्वल टू वन अपॉन फ्रीक्वेंसी, और दैट इज इक्वल टू टू पाई आर अपॉन बी। इज इट ओके? ठीक है, अब आप सुनते जाएं। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर, आप ध्यान दीजिएगा, दैट इज हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन निकाला कि एक इलेक्ट्रॉन जो है कितनी बार न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके लिए हमने कहा वेलोसिटी के फार्मूले से वो जेड अपॉन एन होता है, जो कल वाले लेक्चर में कहा था। कल वाले लेक्चर में ही हमने रेडियस को कहा था एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है, इन दो को कंबाइन करेंगे तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यू आ जाएगा। और मान लो किसी एक इलेक्ट्रॉन का एफ वन है, दूसरे का एफ टू है फ्रीक्वेंसी, तो जेड वन एन वन क्यू, मान लो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो जेड वन है तो ऑर्बिट नंबर एन वन है, उसका जो दूसरे का ऑर्बिट नंबर एन टू है, एटॉमिक नंबर जेड टू है, तो इससे विल कैलकुलेट, इट इज इनवर्स ऑफ दैट। ठीक है, तो ये सारी बात इसमें उल्टी हो जाएगी टाइम पीरियड के लिए। आई होप आपको इतनी बात जो है समझ में आ गई, अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, एफ वन अपॉन एफ टू। मान लो किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए एफ इज एफ वन तो जेड वन एन वन क्यू हो गया, दूसरे के लिए एफ टू जेड वन जेड टू एन टू हो गया, सो दिस अपॉन दैट ये आ गया, दो इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, एक के लिए एफ वन है, दूसरे के लिए एफ टू है, डन। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी
हमने रेडियस निकाल लिया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। सो आज हम जरूरी एस्पेक्ट की बात करने जा रहे हैं, दैट इज एनर्जी की। तो ये एनर्जी जो है हमने इलेक्ट्रॉन की कैसे होती है, क्योंकि लास्ट फ्यू लेक्चर्स में आपके क्वेश्चंस भी आ रहे थे एनर्जी को रिलेटेड, तो अब हम उसको जो है डिस्क्लोज करने जा रहे हैं। आप बात को ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो एनर्जी टोटल होगी, दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एंड सबसे पहले हम इसमें लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन देखिए बहुत आसान होगी। अब सुनते जाइए, काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन बहुत आसान होगी। क्यों? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, लास्ट कल वाले लेक्चर में हमने एक रिलेशन लिखा था, ठीक है। मैं ग्रीन कलर अभी यूज नहीं करूंगा। सो कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमने आपको याद होगा इक्वेशन फर्स्ट क्या था, एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू, वो आर और आर कट गया था, याद आ गया। ओके, ये हमने रेडियस की डेरिवेशन में सबसे पहली इक्वेशन लिखी थी, ठीक है। तो ऐसे में वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर, सो दैट इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर अपॉन टू आर। लास्ट जो इक्वेशन थी उसको नंबर क्या दिया था हमने, सिक्स, तो इसको सेवंथ मान लेते हैं, ठीक है, लेट इट बी नंबर सेवन। तो काइनेटिक एनर्जी तो सीधे सीधे आ गई। अब सुनिए, अब ऐसे ही कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, आपको ये पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। ये मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज बताया था तो उस टाइम पे जो है ये किया था, बिल्कुल के भी है, सही बात है। तो अब इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्यू वन क्या है भाई, जब आप देखें कि ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर Q1 क्या है, Z into E, डिस्टेंस क्या है R, व्हाट इज Q2,
इट इज ई, इट हैज बीन डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर. अब जब ये है सो वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के जेड ई इंटू ई अपॉन आर. एट दैट ऑल्सो माइनस साइन, ठीक है. देर इज क्वेश्चन सर हाउ बोथ कैन बी ई गोइंग टू बी, इजंट ई गोइंग टू बी द इलेक्ट्रॉन. देखो मैंने आपको जब जो है चार्ज के बारे में बताया था तब मैंने कहा था कि कूलम्स लॉ जो है वो साइन नहीं देखता है. तो चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो दोनों का जो चार्ज है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, ठीक है. तो ऐसे में हमने जो है ओके यू गॉट इट, ठीक है, ई लिखा. माइनस साइन हमने लगाया था, मैंने कूलम्स लॉ में ही आपको समझाया था कि जब भी दो बॉडीज में अट्रैक्शन होगी साइन विल बी माइनस, ठीक है. अब तो ऐसे में वी विल गेट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर. लेट इट बी इक्वेशन नंबर ई, सुनते जाइए. एंड देन एज ई टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ऐसे में इट इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन टू आर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन टू आर. क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इस टाइम पर बोर्ड में सब एनर्जीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल के बारे में और जो है टोटल के बारे में. तो बहुत ही आसानी से जो है हमने तीनों के बीच में रिलेशन निकाल दिया है, ठीक है. आप इसको नोट कर लेना, ठीक है. सुनते जाइएगा. अभी हम आगे बढ़ें इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द थ्री एनर्जीज. What is the relation between the three energies? ठीक है, आप देखिए relation यहां पर आपको ये पता है कि kinetic energy जो है that is equal to kz e square upon 2r. सही है बात. एंड वट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर. एंड वट अबाउट टोटल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन टू आर. सो दैट्स हाउ दे आर रिलेटेड, ठीक है. मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी के पोटेंशियल एनर्जी अब मिट गया, आप एक बार देख लेना इसको जो है
वीडियो में, ठीक है। तो ये हमने डिराइव किया था Q1 Q2 अपन R स्क्वायर ना, पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपन R हमने डिराइव किया था ये। तो Q1 की वैल्यू हमने ZE पुट की, Q2 की E पुट की, R R है, माइनस साइन हमने लगाया क्योंकि अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया, ठीक है। अब यहां पर अगर ये रिलेशन इनमें है, हम कह रहे हैं इफ अगर जो है इसकी वैल्यू जो है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मान लो एक्स लेते हैं, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो -2x हो जाएगी। आप देख रहे हैं ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये डबल है इससे, क्योंकि ये 2 डिनोमिनेटर में और साथ में माइनस साइन है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो -x होगी। इज इट ओके? तो आप इन चीजों को जो है ध्यान में रखें कि दिस इज हाउ दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ जो है ये इस तरह से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास एक की वैल्यू आ जाए, जैसे अगर इसकी वैल्यू 10 जूल है तो ये -20 होगा, ये -10 होगा, एंड दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो -2x प्लस x इज इक्वल टू -x, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो है माइनस में रहती है, आप देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, अभी बात खत्म नहीं हुई, ठीक है, आप सुनते जाइए। तो अभी जो है फ्रॉम इक्वेशन 9, हम ये कह सकते हैं एंड इक्वेशन 6, रेडियस वाली इक्वेशन कौन सी थी, 6 नंबर वाली थी ना, पिछले कल हमने ये कहा था कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होती है, हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर नहीं कहा था, अगर कहा होगा तो गलती से कह दिया होगा। इज इट ओके? ये दोनों बराबर नहीं होती हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होती है। इज इट ओके? ओके, अब समझिए, रेडियस वाली एक इक्वेशन थी ना, रेडियस वाली 4 है, तो उसको हम 4 नंबर पुट कर देते हैं। तो हम ये रेडियस की भी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हम यहां पर निकाल देंगे कि E टोटल इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वेयर 2 एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर एमई स्क्वेयर के जेड। मैंने आर की जो डेरिवेशन में जो वैल्यू 6th है, कोई बात नहीं, 4th है या 6th है, जो भी है डेरिवेशन वाली वैल्यू है उसको आप पुट कर दीजिए। रेडियस की वैल्यू हमने यहां पर पुट करनी, आर की वैल्यू जो डिराइव की थी सेम हमने पुट कर दी। सुनते जाइए, जब ये कर लेंगे तो कुछ जो है मार्क आउट हो जाएगी यहां पर, तो कई कुछ बस, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले तो इसको देख लेते हैं कि कैसे जो है इसको लिखना है, दैट इज 2π ठीक है,
इज इट ओके? सो ये आ जाएगा विद माइनस साइन. ठीक है, अब सुनते जाए. अब जो है यहां पर इट इज इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा. अच्छा, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे आप, यू विल गेट 2.18 इंटू 10⁻¹⁸ इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. पहले तो आप इसको याद रखिएगा, ई टोटल इज दिस वैल्यू, इट इज 10 नंबर. ठीक है, इसको कहेंगे जूल्स पर एटम, और इसी को हम लिख सकते हैं माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. ठीक है, so you can use any of these relations. ठीक है, तो आप जो है इससे कैलकुलेट कर सकते हैं. आप प्लीज इसको नोट कर लें. Is it okay? So now आपके पास energies आ गई. Pi square है, I've got. ठीक है. So what I am saying, हमने radius की जो value थी उसको यहाँ पे put किया. N square, h square, 4 pi square, m e square, k z जो last lecture में की जा चुकी थी. Just हमने value put की. मेरे last lecture को आप देखें, आपने note किया होगा. अब उनके हमने rearrange करके ये किया, इनकी वैल्यूज लिखी. ठीक है, ये वैल्यूज आप जानते हैं सारी. आप ठीक है, कैलकुलेट किया, ये वैल्यू आ गई. ठीक है, आई होप अस्मी को क्लियर हो गया होगा. ठीक है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक कंफ्यूजन है तो आप बता देना. चलिए आगे बढ़ रहे हैं आप. ठीक है, तो अभी हमारे पास एनर्जी की भी कैलकुलेशन आ चुकी है. ठीक है, सुनते जाइए. अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ठीक है, हम कुछ छोटे छोटे सवाल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. तो आप देखें,
प्लीज आर वन अपॉन आर टू जो है निकालें। बिल्कुल सही है, राघव ने सही जवाब दिया। बिल्कुल बिल्कुल, वैभव का जवाब आ गया मेरे पास। राइट राइट, संशय का आ गया। ओके वर्षलीन 8x9, देन समवन विकास, देन ओजस्विनी, एवरी पर्सन इज डूइंग इट राइट राइट राइट। हार्दिक, मानव, उत्कर्ष, रुद्र, रुधर शर्मा, ठीक है। चलिए हम इसको करना स्टार्ट करते हैं कि हाउ इट शुड बी डन। तो पहली बात हम जानते हैं, सुनिए अब, सॉल्यूशन एस आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। आर क्या था? रेडियस इज इक्वल टू 0.529 into n square upon z. Proportionality ये ही हो जाएगी. That means r1 upon r2 should be equal to n1 square upon z1 into n2 square z2. बस values put करनी है तो r1 upon r2 हमारे पास आ जाएगा। एन वन क्या है? हाइड्रोजन एटम, तो सेकंड ऑर्बिट है, तो ये आ गया टू, हाइड्रोजन का जेड वन, ये टू का हमने स्क्वायर लेना है इनटू जेड टू क्या है? हीलियम टू पॉजिटिव, तो सिंपल। एंड कौन सा ऑर्बिट? थर्ड ऑर्बिट, तो का स्क्वायर, ठीक है। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8x9, दैट्स अवर आंसर। 4x9 कहां से आ गया जयकरण? ठीक है, कैलकुलेशन देख। इज इट ओके? क्लियर आ गई बात समझ? आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप प्लीज ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जो है, एक मिनट में आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन जो है देना चाहता हूं। जस्ट गिव मी वन मिनट।
Please solve. अभी मुझे गलत जवाब मिल रहा है। या आदित्य ने मुझे सही जवाब दिया है, द आंसर थ्री बाय एट इज राइट आंसर। थ्री बाय एट इज द राइट आंसर, सही बात है। थ्री बाय एट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करना है। हमने ऑलरेडी, मतलब इसके लिए तो हम पहले से ही प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि हमने ये कह दिया था कि एफ वन अपॉन एफ टू इज इक्वल टू, क्या कहा था हमने, जेड वन अपॉन जेड टू का स्क्वायर एन टू अपॉन एन वन का क्यूब। बस we have to solve this. So z1 1 upon lithium 3 ka square and 3 upon 2 ka cube. So that comes 27 by, एक मिनट, आर वी डूइंग इट हियर, 3 × 8, 9 × 8 है ना, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब। सो बस इज इट ओके, ठीक है। सो ये मिल गया हमें नेक्स्ट जब। एनी डाउट, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर, बिल्कुल। सुनिए इसको मिटा दे रहे हैं, अच्छा अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, पहले
पहली बात यहां पर, इससे पहले मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊं, मैं एक पॉइंट जो है इसके बारे में लिखवा देना चाहता हूं, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल की लिमिटेशन है बहुत बड़ी, दैट इज कि इट इज एप्लीकेबल फॉर यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ओनली। अब ये यूनि इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, ठीक है, इसकी लिमिटेशन है, ये यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी हुई, ऐसी स्पीसीज जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज हमारे पास कौन कौन सी हैं? एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज जो हमारे पास है, हाइड्रोजन है, सुनते जाइए, उसके बाद कौन सी है, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक निकाल देंगे तो ये भी हो गए। उसके बाद लिथियम में से दो निकाल दो, तीन थे ना, दो निकाल दो तो एक, ठीक है। ऐसे बेरिलियम थ्री पॉजिटिव, बोरोन फोर पॉजिटिव, कार्बन फाइव पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो हमारा ये जो मॉडल है ये सिर्फ जो है इन्हीं स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ये हाँ मतलब कुछ भी ले लो आप, चाहे 10 पॉजिटिव ले लो, 100 पॉजिटिव ले लो 101 वाले का, ठीक है, मतलब उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक ही, बिल्कुल ठीक है, चलेगा चलेगा, ठीक है ओके, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे हीलियम के लिए नहीं एप्लीकेबल, हीलियम पॉजिटिव के लिए, तो ये इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन तो हुआ ना, हीलियम एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आयन के लिए है, इज इट ओके। मतलब वो तभी एप्लीकेबल है जब एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो ये इसकी कमी हो गई। अब आप बात सुनिए, इससे पहले हम आगे बढ़े, हम पहले हाइड्रोजन एटम के बारे में देख लेते हैं, दैट इज क्योंकि इसको हमने बहुत पढ़ना है अभी, दैट इज एनर्जी लेवल डायग्राम। Of hydrogen atom. देखें आप, अभी जल्दी मत कीजिएगा आप बनाने के लिए जो है, आप देखें, that is ये इसका ऑर्बिट नंबर वन है, ये ऑर्बिट नंबर टू है, ऑर्बिट नंबर थ्री है, ऑर्बिट नंबर फोर, ठीक है। एज सून एज पॉसिबल अभी कर दें, बनाए बाद में। अच्छा
तो पहले हमने देखना है कि इनका एनर्जी लेवल जो है कितना होगा, ठीक है। अब सुने, सो एनर्जी लेवल देखना है, सुनते जाइए, बिल्कुल अपलोड हो जाएगा आराम से, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कुछ लोगों को ट्रबल आ रही होगी थोड़ी बहुत, ठीक है, सुनते जाए। देखो, एनर्जी ऑफ फर्स्ट क्या होगा, एनर्जी फर्स्ट क्या होगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन है ना, 1 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये तो ये आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट आ गई हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही बात है कि नहीं, क्लियर है, -13.6। सेकंड वाले की क्या होगी, जब सेकंड की निकालनी है, ओके, जब सेकंड की हम एनर्जी निकालेंगे E2 की, तो E2 कैसे निकलेगा, E2 इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन 2 स्क्वायर। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, सो यू विल गेट द वैल्यू एज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड, ऐसे एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, बोलो 0.85, 1.51, -1.51 एंड फोर्थ की -13.6 1 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर -0.85, जो मैंने बोला था 0.85। सो एनर्जी ऑफ फोर्थ आप मुझे ये बताइए, जैसे हम न्यूक्लियस इधर है ना, दूर जा रहे हैं, पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ रही है कि घट रही है, इज द एनर्जी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कैन यू टेल मी, इज द एनर्जी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, यस इट इज इंक्रीजिंग। माइनस में जो है वो वैल्यू जो है कम होती जा रही है ना, दैट मीन्स इट इज इंक्रीजिंग। एंड वट डू यू एक्सपेक्ट, जब जो है मान लो हम बहुत दूर चले गए, मान लो देर इज सम लेवल ऑफ दिस टाइप, लेट इट बी एन इक्वल टू इंफिनिटी, उस टाइम पे एनर्जी क्या होगी, वट विल बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट लेवल, यस इट विल बी जीरो, ठीक है। जो हमने पिछले कल के लेक्चर में भी कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो उनके बीच में एनर्जी जो है जीरो होगी, तो इनफाइनाइट लेवल पे जाके जो है जीरो होगी, ठीक है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब आप मुझे ये बताइए, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप कितना है, E2 माइनस E1 कितना है, E3 माइनस E2 कितना है, E4 माइनस E3 कितना है,
0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 66। ओके, अब आप सुने मेरी बात। सो वन थिंग वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हेयर दैट एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द एनर्जी गैप बिटवीन कंजक्टिव एनर्जी लेवल्स डिक्रीजेस। ठीक है, आप देखिए बहुत कम, इन्फिनिटी और इसके बीच में, ये तो 0.84 कंजक्टिव एनर्जी लेवल्स का हमने कहना है, इसमें तो 0.84 है, अभी इसको रहने दीजिए। ठीक है, जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं कंजक्टिव एनर्जी लेवल्स में जो गैप है वो कम होता जाता है। दैट मीन्स कि दिस E4 माइनस E3 इज ग्रेटर देन E3 माइनस E2 विच इज ग्रेटर देन E2 माइनस E1। बात समझ में आ गई? तो जैसे जैसे हम जो है दूर जाते जाएंगे एनर्जी गैप बिटवीन कंजक्टिव एनर्जी लेवल्स जो है वो कम होता जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है बिल्कुल आराम से? ठीक है, ओके। अब आप मेरी बात सुने। सॉरी, सो एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द एनर्जी गैप बिटवीन कंजक्टिव एनर्जी लेवल्स जो है, ठीक है, डिस्टेंस इंक्रीज होता है। आप डिस्टेंस को कैलकुलेट करना ना, डिस्टेंस के बीच में जो गैप है वो इंक्रीज होता है, पहले कम होगा फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा, देखिएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो आज इतना ही करते हैं हम लोग। ठीक है, तो कल मिलेंगे हम विद रीडबर्ग इक्वेशन, और इस मॉडल से जो है हम प्रूव करेंगे हम लोग जो है दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। लेकिन बाय द मीन टाइम लेट मी टेल यू कि आप लोग जो है क्या होमवर्क कर सकते हैं इस टाइम पे जो है। सो आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस जो है हो जाएंगे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। Let me check your package. So, आपके पैकेज में मैं जो देख पा रहा हूं, ठीक है, प्लीज आप अपना होमवर्क जो है एक, जस्ट गिव मी 1 मिनट।